क्या हो रहा है, नहीं कैमरे तो के इरिटेटेड है सामने? किसी बात पे। हाय मोतीलाल भाई, तू एक्सट्रीम है यार तू तो। नवीन कौन सा पैर फ्रैक्चर था यार इसका? इतना अच्छे से जुड़ गया कि कुछ पता ही नहीं लग रहा। ये वाला जिसमें वूंड है ना, ये रहा, ये स्प्लिंट की वजह से वूंड है ना ये। इसका खेलोगे, इसकी फुटेज तो ले, लोग देखेंगे खेलते हुए इसको, तो शायद अडॉप्ट कर ले। कई लोगों को तो लगता है भाई देसी कुत्ते लड़ाके होते हैं, ये होता है वो होता है। जो मेडिकल टीम है वो क्रिटिकल चीज़ देखती है, फूड मेडिसिन वाटर, और एनरिचमेंट ज़्यादा होता है वॉलेंटियर्स की मदद से। ज्योति, मोतीलाल एनरिचमेंट में क्यों नहीं है? सर मोतीलाल को हम लोगों को रिलीज करनी होगी। वो अडॉप्शन पे लिस्टेड है? लिस्टेड है वो, पर नो इंक्वायरीज। सैड है ये। और फिर हमें लोग कहते हैं कि भाई क्या फ़ायदा, आप इतनी मेहनत करते हैं। तो देखिए, हम तो ठीक कर सकते हैं ना, घर तो आप लोग दे सकते हैं। इस समय मैं फार्म के बिल्कुल बाहर ही, जो हमारे 3 बंगलोज बन रहे हैं, वहाँ पे आया हूँ। देखिए पलंथ भी बन गई है, तो अब इस समय बस चौखटे रखी जा रही हैं। जो पीछे वाली दीवार है वो लाल ईंट की बनेगी, क्योंकि जो किचन बाथरूम की दीवारें होती हैं इन्हें वेट वॉल्स कहते हैं। तो कभी कोई पानी की पाइप फट जाए तो हम मिट्टी की ईंट वहाँ नहीं लगाना चाहते, फिर बिकॉज वो फिर दीवार ढह जाएगी। सारी उधर कच्ची ईंटें तिरपाल के नीचे पड़ी हैं, क्योंकि इस समय मौसम यहाँ ख़राब है, बुधवार तक बारिश है। उसके बाद फिर कच्ची ईंट का काम शुरू करेंगे। तो खैर, अभी आके मुझे ज्योति ने बताया कि एक रेस्क्यू आया है, आ जाएगी जी। तो वो रेस्क्यू को हम देखें क्या सीन है। हमारे पास एक तो जगह ख़त्म है, ये फिर भी रेस्क्यूज ले रहे हैं। ज्योति, तुमने तो कहा था कि जगह ख़त्म है, ये कौन सा रेस्क्यू आ गया? सर ये चंबी से है रेस्क्यू। सुबह बैग गिरा था ऊंचाई से, काफ़ी ऊंचाई से, तो ये खड़ा हो पा रहा है? हाथ ले दे के मुश्किल से खड़ा हो पाता है। ये वो है जिसका टिबिया फ्रैक्चर है, जो बता रही थी। हमारे पास 2 स्ट्रेचर हैं, दोनों रिपेयर के लिए गए हैं। नहीं, एक हमारा नहीं मिला, हमने वहाँ भेजा था पहले, 2 महीने पहले भैरव के साथ भेजा था, वो मिल नहीं रहा है, वो वापस नहीं आया। और दूसरा है जो फट चुके हैं। फिर ये मुझे कहते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, 2 महीने से स्ट्रेचर घुमा हुआ है, अब मैं क्या करूँ? मैं फिर भी ना सारी चीज़ें ये सुन के, ये सोच के झेल जाता हूँ कि यार जो भी है, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, एटलीस्ट मैं बैर नहीं हूँ जिसका पैर टूटा हुआ है, तो इसलिए लाइफ में ऑल्स गुड। इसके गले में भी यहाँ पे रस्सी का निशान है। चलो 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 आगे। जैसे आजाद के नाक पे निशान है ना। अपडेट में हम आपको हमेशा दिखाते हैं रेस्क्यूज हो रहे हैं, ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, पर एनिमल वेलफेयर का बहुत बड़ा हिस्सा है क्लीनिंग, जिसमें ये सभी लगे हैं। नवीन, राधा, राधा तो आज ऐसे साफ कर रही है जैसे घर साफ कर रही हो अपना, काफी एक्सट्रीम लेवल की क्लीनिंग हो रही है। आज संदीप जी हमसे मिलने आए हैं गुजरात से, और यहीं थे अभी है नहीं, लेकिन वो पेंटिंग लाए। थैंक यू। तेरे को पता था शिवानी तेरी भी आ रही है? पहले तो रोबिन सर का तो मैं फॉलो ही हूँ बोला, तो उसके लिए बोला कि जाना है तो हिमाचल प्रदेश, तो एक बार ये पूरा पेंटिंग ऐसा कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। रविंदर प्रतीक को बता रहा है कि जॉई में और जौ गेहूं में फर्क क्या है। ये जॉई है ना, जॉई यानी आपके ओट्स, और जौ तो हमने लगाने रखा, गेहूं हमने लगा रखा था, पर गेहूं तो हमारा सारा चिड़िया विड़िया खा गई है। हाँ भाई, तू क्या कह रहा है? सर कम्बुचा। मैं नहीं टेस्ट कर सकता, मैं कॉफी पी रहा हूँ, मैम को टेस्ट कर दो। हम जो कम्बुचा बॉटल करते हैं ना, तो सारे जो बैच है, एक तो पीएच लेवल टेस्ट होता है, पर हम एक टेस्ट टेस्ट भी करते हैं कि उसका फ्लेवर प्रोफाइल कैसा है। तो ये बिंद्रेश जी ने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है, पर अगर मैं कॉफी पी रहा हूँ तो वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये शाइनी को मैं पकड़ के लाया हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग एनिमल एरिया में, 1 घंटा हो गया वेट करते हुए। तुम थी कहाँ पे? 2 मिनट भी नहीं हुए। शी इज रियली गुड विद पीपल। आप कहाँ से आए? यस आई एम बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर। यू बीइंग एक्स्ट्रा नाइस बिकॉज़ आई एम हियर एंड यू आर ऑन कैमरा। नो, दिस इज हाउ लाइक आई एम लाइक दिस, ओके, ऑलवेज यू कैन लाइक आस्क एनीवन। हाय कमल, क्या कर रहे हो? इसके डैंड्रफ निकाल रहा हूं, ये देखो कितने हैं। एक डॉग आया था जो हम सोच रहे थे वायर ट्रैप केस है, जिससे उसका पैर कट गया है। डॉक्टर अंकित आ सकते हैं अंदर? आपने इसको दोबारा पैर क्यों काटा? इसका तो पैर कटा ही हुआ था। इसका जो पैर कटा हुआ था बहुत ही लंबा था, तो जब ड्रैग ड्रैग करा तो बार बार वुंड बन रहा था। अब मैं आपको बलू की स्टोरी बता देता हूँ। इसके लिए हम जो भी कर सकते थे ना, हमने किया, पर अब इसका जो ट्यूमर है वो ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि इसके नीचे एक आर्टरी है, जिससे अगर हम ऑपरेट करेंगे तो ये ब्लीड कर जाएगा। तो अब इसलिए इसको वापस, जो इसके ओनर्स हैं, वैसे तो हम पेट्स कभी नहीं लेते,
पर क्योंकि वो इसका ध्यान नहीं रख पा रहे थे तो हमने इसको रख लिया था, लेकिन अब हमारे को जगह की आवश्यकता है और इसके एंड ऑफ लाइफ केयर में इसको पेन किलर्स की आवश्यकता नहीं है, जस्ट खाने की और ऑइंटमेंट की, वो तो वो लोग कर ही लेंगे। मैंने आपको बताया था ना चाचू को जो लाए थे रामफूल जी, जब वो लाए यहाँ पे तो उनके पास पैसे थे नहीं और जो टेम्पो जिसका वो लेके आए उनका एक डॉग था, अब उसकी पिनिंग वगैरह हो गई है, वो मूव हो रहा है कल्पना जी के यहाँ फॉस्टर करने के लिए। अभी हमारे साथ वर्क एक्सचेंजर्स की भी एक फौज से जुड़ गई है। तो अभी क्या है, हम लोगों का किचन पूरी कैपेसिटी पे है, तो इनका सुबह और जो शाम का खाना है वो बिंद्रेश की जो वाइफ है पूजा उसकी टिफिन सर्विस से आ रहा है। आपने ये हेयर नेट इसलिए लगा रखा है, आपको पता था मैं वीडियो कैमरा लेके आ रहा हूँ अंदर? नहीं भैया, मैंने सुबह से पहना हुआ। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी है एज अ ग्राफिक डिजाइनर, ये हमारी थर्ड वर्क एक्सचेंज है। अभी यूनिलीवर से विजया जी की ईमेल आई, विजया जी हमारी वन ऑफ द फॉलोअर्स हैं, यूनिलीवर अब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की ओर जा रहा है, तो उन लोगों का एक ऑनलाइन सेशन है, एक इवेंट है जिसमें मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया गया, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। इनका एक खुदाई अभियान जारी है आलूओं के लिए, दिखाना कितना आलू निकला प्रतीक। ये आलू आलू उखाड़ रहे हो आप लोग, तो इसमें केचुए नहीं मर रहे? मैंने सुना है, मैं आई एम नॉट श्योर, ये एक के दो हो जाते हैं। नहीं जी नहीं नहीं, वो गलत है। आंटी आपने हलवा बनाया है ये? आंटी इसमें घी डाला हुआ लग रहा है। नहीं डाला, बता तो रहे कोकोनट ऑयल डाला है। आंटी मुझे आप एक बात बताओ कि सारी दुनिया के लड़के ऐसे खूब बढ़िया कॉर्पोरेट्स में नौकरी करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, आपको ये लगता नहीं तुषार कहाँ जंगल में आके नौकरी कर रहे हैं? नहीं तुषार, हमको भी अच्छा लगता है, तुषार को तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए बच्चों की खुशी में अपनी खुशी है। hey, मैं और रिया अभी एनिमल एरिया जा रहे हैं। रिया आओ बेटी जी से मिलते हैं। रिया मीट्स बेटी जी, दिस इज सो क्यूट, और इसीलिए हम मीट नहीं खाते। मैं चाह रहा था कि जो जो एनिमल्स जिनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है आपको सबके नाम कंडीशन और अभी वो किस हालात में है सबको बता दूं। डॉक्टर अंकित जिस पे काम कर रहे हैं ये ढपली आपको हमने पिछली बार मिलवाया था, इससे तब तक इसका नाम नहीं रखा था, मैं नॉन मेडिकल टर्म्स थोड़ी यूज करूंगा, सॉरी। ये इसका जो घुटने वाला जॉइंट है ना, इसका फ्रैक्चर इसके ऊपर है। ऐसे केसेस में कोई रेजोल्यूशन नहीं होता सिवाय जानवर धीरे धीरे फिर वो मरता है। ऑल्दो यूथनेशिया एक पॉसिबिलिटी है, पर क्योंकि गाय के केस में लोगों की भावनाएं बहुत जुड़ी होती हैं तो इट्स अ ट्रिकी मैटर। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पब्लिक परसेप्शन है वो बदलनी चाहिए, ठीक है। हम गाय को बहुत रिवेयर करते हैं, हम होली काऊ मानते हैं, हमारे में गाय का बहुत महत्व है, पर ये सारी भावनाएं तभी क्यों जागती हैं जब गाय तिल तिल करके मर रही होती है और कोई कहता है कि इसकी मौत आसान कर दो, जब उसको डेयरियों में तड़पाया जाता है, जब सड़क पर छोड़ा जाता है, तब ये भावनाएं कहाँ जाती हैं। गाय का ट्रीटमेंट हो रहा है, इन पैरेलल अंदर डॉग ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। ये वही है ना राधा जिसने आपको काटा था? अब ये अच्छा हो गया, इसकी एक्चुअली एम्पुटेशन हुई थी तो अब ये ठीक है, पर इसकी सूचरिंग भी खुल गई हुई थी ना, अब रिकवर कर रहा है ये। ये तो काफी हद तक हील्ड है। हाँ जी, ये ट्रॉली आने से बहुत फर्क पड़ा है ना, चीजें नॉक डाउन नहीं हो रही। अब आप किसका ट्रीटमेंट करने लगे सर? पोपो का, इसकी सर्जरी हुई थी, स्पेस कट दी, तो एक बार इसका इंसिजन हील हो जाएगा फिर ये रिलीज हो जाएगी, फिर ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो गाय का स्टरलाइजेशन प्रोग्राम क्यों नहीं है डॉग्स की तरह? सर इसको इतना इजी नहीं है ये, और थोड़ी स्पेशलाइजेशन चाहिए इसके लिए। तो अब इसके फ्यूचर्स कैसे हैं? सर अब रिकवर है। रिकवर है तो फिर इसकी बैंडेजिंग क्यों हो रही है अभी भी? अभी थोड़ा सा है, तो सर सोच रहे थे कि स्क्रैच करके डॉक्टर अंकित बहुत बमाजी करते हैं। हमारे जो एक और वॉरियर है ना, जो आपको किसी जानवर के साथ नहीं दिखेंगे पर रोज पता नहीं कितने जानवरों की मदद कर रहे हैं, वो है डॉक्टर गुलशन। सारा दिन ये जो हमारा पीपल फार्म हेल्पलाइन करके फेसबुक ग्रुप है और जो हमारी हेल्पलाइन हमारी वेबसाइट पे मेंशन है उस पर जो भी कॉल्स आते हैं, जिन लोगों को वेटनरी हेल्प नहीं मिल रही होती ये उनकी मदद कर रहे होते हैं, पर ये काफ़ी शर्माते हैं, तो आई लेट हिम बी। अब अभी नेक्स्ट केस नूरी है, पर जब तक मैं वेट कर रहा हूँ उसकी, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अमरूद के जो पत्ते होते हैं ना उसका एक बड़ा अच्छा यूज़ है, ये नेचुरली एस्ट्रिंजेंट होते हैं, तो अगर आपके मुंह में छाले हो रखे हैं कुछ तो यू कैन जस्ट च्यू ऑन अ लीफ, और उससे क्या रहता है कि जो वो छाले हैं वो लगभग कुछ घंटों में ही ठीक हो जाते हैं। इसको निगलना नहीं है, च्यू करके स्पिट करना है, पर नॉट सड़क पे। अब हम जा रहे हैं राधा के साथ नूरी से मिलने। महिमा आपसे एक कदम आगे, वो पहले अंदर पहुंची हुई। हाय नूरी,
था। ओ, ये वो है जो रेत से आई है। जी हाँ जी, ये तो अब बिल्कुल ठीक हो गया। जब ये स्टार्टिंग में आई थी तो काफी बहुत था इसका, ये जो खराब है। तो इसके दो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, एक तो जो कीमोथेरेपी ताकि ट्यूमर जड़ से खत्म हो जाए, और एक जो इसका टॉपिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, जो इसका ट्यूमर हट गया है तो वहां पे वो इन्फेक्शन ना हो जाए। इन लोगों की हिम्मत है कि ये डे इन डे आउट ऐसे इंजरीज हैंडल कर लेते हैं। इसकी स्किन प्रॉब्लम की वजह से लाया, इसकी स्किन इतनी खराब थी कि ऐसे लग रहा था जैसे इसको ब्लीडिंग हो रही है। तो हम इसके लिए कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं। ओ, ये वो है जो कल्पना जी के यहाँ से आई थी। जी जी। ये वो केस है जिसका हमें लगा था कि वायर ट्रैप में इसका पैर कट गया है, पर इसका क्योंकि जो स्टंप था वो बड़ा लटकता था तो इसको एम्प्यूटेशन करनी पड़ी थी। हे, ये इसके ये किसने बनाया है इसके लिए? राधा मम्मी। राधा, आप घर से बना के लाए? नहीं सर, यही बनाया। ओ वाह, ये आइडिया किसका था? सही सकता है। ये है ना इनोवेशन, और ये लोग खुद से कर रहे हैं ना। सबसे सही लगता है कि जब हमारी जो टीम है ना वो ओनरशिप लेती है, मतलब हमारे छोटे मोटे मन मुताब रहते हैं, आप देखते हैं मेरा मुंह बना होता है कई बार, पर अधिकांश चीजें खुद से हो रही है। तो इसके अंदर आपने पैडिंग किस चीज की करी है? सर कॉटन और गोज की। ओके, ताकि डिस्चार्ज हो, अगर कुछ भी ऐसा डिस्चार्ज वगैरह हो तो इसमें अब्सॉर्ब हो जाए वो, और ये सूखा रहे। दैट इज रियली कूल हियर। और जस्ट बिकॉज़ मैं बॉस हूं डजंट मीन कि मेरे को परमिशन है कि जी मैं दरवाजे खुले छोड़ दूं। सारे रूल मुझ पे भी बराबर से ही अप्लाई करते हैं। अभी ज्योति आई है एक नई समस्या के साथ, दिखाओ क्या है ये? सर अमर प्रीत ने दिया। मुझसे क्या चाहते हो बाप? मेरे को समझ नहीं आता, इनको लगता है कि सारे सवालों के जवाब होंगे मेरे पास। मुझे नहीं पता इसका क्या। आप वेजिटेरियन हो? हाँ जी। ये डॉग फूड में चला जाएगा और क्या होगा? ऑर्गेनिक अंडा। हमने बहुत सारी मोतीलाल के लिए अडॉप्शन पोस्ट डाली थी, किसी ने उसे अडॉप्ट नहीं किया, तो इसलिए हमें इसे रिलीज करना पड़ रहा है। कौन सा शॉट लग रहा है सर? इसको एंटी रेबीज लग रहा है। और ये निकल पड़ा। बाय बेबी, बाय। अभी हम पीपल फार्म के सबसे छोटे अडॉप्टेबल्स से मिलने वाले हैं, जो कि पपीज हैं। वो है छोटे बट बहुत बड़े बड़े कारनामे करते हैं। इसकी पहले पीछे वाली जो टांग थी वो कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन अभी पूरी तरीके से हील्ड है। और ये है ज्वाला। बस इसकी तीन टांगें हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी एनर्जी है और ये बहुत एक्टिव है, और इसकी कंडीशन अब पहले से बहुत बेहतर है। ए, मैं तो अभी अपने रूम की सफाई कर रहा था तो मुझे वेनु ने बोला है कि आज़ाद रिलीज हो रहा है। वेनु के पास गलत इन्फॉर्मेशन थी, आज़ाद ने तो दूसरे टाइम रिलीज होना है, अभी साधु रिलीज हो रहा है। आपको याद है जब ये आया था तो इसके पूरे गले पे वो एक कट था, क्योंकि बंधा हुआ था यहाँ रस्सी और तार, और एक लटका भी हुआ था कुछ। सॉरी मैन, आई होप कि देखो वो दोबारा कोई बांध ना दे वहाँ पे कुछ भी। संजय भैया, कुत्तों का खाने में क्या डर रहा है आज भैया? ये की सब्जी। तो गाजरे गुजरे बंद क्यों कर दी? गाजरे बहुत कम आ रही हैं ये आजकल। मैं और मैं अभी अपडेट रिकॉर्ड कर रहे थे, पर ज्योति का मैसेज आया कि आजाद एडिट कर रहे थे। क्या बोला मैंने? रिकॉर्ड कर रहे थे। एडिट कर रहे थे, इतना तो लोग समझते हैं। थैंक्स स्पॉट। जो व्लॉग स्टाइल अपडेट है ना, इसमें थोड़ा ये पेनफुल है कि इंटरप्शन बहुत ज्यादा थी, बट आप लोगों को अच्छा बड़ा लगा था तो हम प्रयास पूरा करेंगे। आजाद क्या रहे, इसके यहाँ पे इंजरी थी, आपको याद होगा कि इसको हम पालमपुर के रास्ते में थे तो मुझे ये दिखा था, मैंने रेस्क्यू कॉल किया था, और फिर अमित और हमारे कुछ वॉलेंटियर्स वो लोग इसको लेके आए हैं। इसका रिफ्लेक्टिव कॉलर आ गया। अब जो है ना ये सारी चीजें प्रोसीजर में हो जाती हैं, कोई बुल रिलीज हो रहा है, रिफ्लेक्टिव कॉलर। बस भैया ये देख लेना, तुम्हारे कॉलर खत्म हो रहे हो तो पहले बता देना। तो रिफ्लेक्टिव कॉलर से यही है कि यार एक्सीडेंट के चांसेस रात को थोड़े कम हो जाते हैं, आई मीन निश्चित तो कुछ भी नहीं है। उस दिन ना अमरप्रीत ने एक अंडा भी दिया था, क्या किया उस अंडे का? लूसी को। आज एक और अंडा दिया है, देख सकते हैं पड़ा है। किसने? अमरप्रीत ने खुद ही। तो इसके छिलके भी रख सकते हैं ना कैल्शियम के लिए। आपको पता है अंडे के छिलकों को धो के सुखा के पाउडर करके आप बहुत अच्छा कैल्शियम पाउडर बना सकते हैं। अभी अभी हमारी टीम जो आजाद को छोड़ने गई थी वापस आए हैं। अभी दौलत राम जी वापस आए हैं, आजाद को छोड़ने गए थे, एक नया रेस्क्यू लाना था, तो वहां पे लोगों ने आजाद को रिलीज ही नहीं होने दिया, और इस चक्कर में जो रेस्क्यू था उसको भी हम लेके नहीं आ पाए। दौलत राम जी क्या कंप्लेन कह रही उनकी, क्या मना क्यों कर रहे थे? मारता है इसने, एक को और मारा था, हम लोग ले गए थे
तब तो आपको तकलीफ हो रही थी, अब क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ मत ले गया, कहीं भी ले गया, ये पुलिस बुला रहे हैं। और जो दूसरा बैर था वो आसानी से पकड़ में आ गया था। हाँ, वो तो उन्होंने पकड़ के रखा था। ज्योति मुझे ऑफिस में बताने आई थी कि अहिल्या का आई थिंक हर वाटर जस्ट ब्रोक। मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि मुझे समझाना ना पड़े। ये अहिल्या है एंड डॉक्टर गुलशन आप इसको मेडिकली एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, ये वाटर बैग है एक्चुअली, और हो सकता है कि पेट पे प्रेशर पड़ने की वजह से ये बाहर आ गया हो। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि अंदर फीटस का पोजीशनिंग क्या है, और इसके लिए हमें परेक्टली चेक करना पड़ेगा कि क्या पोजीशन है इसका, और अगर फीटर लाइव हुआ तो हम इसको करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी प्री मेच्योर डिलीवरी है ये, देखना पड़ेगा कि अंदर फीटस का स्टेटस क्या है। फीटस डेड होता है अंदर तो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड के अनुसार इसकी प्रेगनेंसी अहिल्या की 6.5 महीने की है, जबकि गाय की प्रेगनेंसी ह्यूमन प्रेगनेंसी की तरह ही 9 महीने की होती है। तो अगर ये बच्चा अंदर जिंदा भी है और बाहर आ भी जाता है, ये बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर बर्थ होगा एंड आई डोंट नो उसके क्या चांसेस होंगे। ये जो बहुत प्यारा सा बछड़ा दिख रहा है ना, ये परसों आया है आई थिंक। इसका ये लोग ट्रीट ऑन स्ट्रीट कर रहे थे, पर जब इनको पता लगा कि इसका पैर टूटा हुआ है तो इसको यहीं पे लाना पड़ा। कल मैं इसके साथ बैठा था, मैंने देखा था इसका एक सींग भी लूज है। ये कितना ही क्यूट है यार ये। सर, आप डॉग को पकड़ने की कोशिश मत करिएगा, आप बस उसको खाना खाने के बहाने से अपने गेट के अंदर ले लीजिए और हमारी टीम वहाँ पहुँच जाएगी। इसकी स्टोरी बता दो, क्योंकि आपने जब रेस्क्यू आया तब तो मुझे बुलाया नहीं था। इसके दोनों पैर में घाव है, एक पैर में फ्रैक्चर है, तो बहुत लोगों ने ढूंढा, तभी नाली में गिरा हुआ मिला, तो उन लोगों ने उसे वहाँ से निकाला और फिर उन्होंने खुद ही शाम को यहाँ पहुँचाया। रॉबिन, आप क्या कर रहे हो बता सकते हो? हाँ हाँ, बता सकता हूँ, बताओ। अभी क्या है, अब हम तीन टपरी कैफे वर्जन 2 कर रहे हैं, बिकॉज तीन टपरी में हम लोग थोड़ा ओवरबोर्ड चले गए थे स्वाद के चक्कर में, अनहेल्दी चीज़ें खा ले। अब हम वही करेंगे जो हम फार्म पे बनाएंगे या फार्म पे उगाएंगे। तो जैसे सावरडो टोस्ट विद पीनट बटर, ऊपर फार्म के बनानास या फार्म का ही मलबरी, शुगर फ्री जैम रहेगा। ये जो ब्रेड है ये अभी क्या है, इसका जो आटा है वो वहाँ से आया है, जो पानी की चक्की से पिसता है धीरे धीरे। तो इसका जो ब्रेड, इसकी ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है, न्यूट्रिशनली काफ़ी रिच। नेक्स्ट लेवल वुड बी जब हम जो गेहूँ है उसको मॉल्ट करेंगे, यानी कि स्प्राउट करेंगे, दैट वुड बी लाइक क्लास। फिर एनिमल एरिया से मैसेज आया है कि वो अहिल्या को चेक करने लगे हैं। पहले तो हमने कुछ देर इंतज़ार किया है कि अपने आप ही इसकी नेचुरल डिलीवरी होती है या नहीं। तो ये केसेस ऐसे होते हैं जिनको हम ज़्यादा वेट भी नहीं करवा सकते, क्योंकि इस टाइम पे इसकी जो पोजीशन होगी काफ की वो हमें नहीं पता कि किस तरह से होगी, तो उसी को हमने चेक करना है। अगर पोजीशन ठीक है तो आराम से बच्चा निकल जाएगा, पर अगर पोजीशन में दिक्कत है, उल्टी सीधी पोजीशन है, तो बच्चा फंसेगा, और अगर बच्चा फंसेगा तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगी और इसकी यूट्राइन में दिक्कत आएगी। अहिल्या हमारी वन ऑफ द रेजिडेंट काउज है, इसके 3 पैर हैं और इसीलिए अभी हमारे साथ ही रहती है। So it's a stillborn baby. I don't know, मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। तो आज का अपडेट बस इतना ही था। अब मुझे नहीं पता हम हर हफ्ते कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज इससे मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो रहा है। हर छोटी चीज़ जो पहले तेंजेन, वेनू, चैतन्य, तुषार जो लोग ग्राउंड पे थे वो रिकॉर्ड कर लेते थे, अब वो मुझे भी रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। आई डोंट नो हाउ सस्टेनेबल दैट इज, बट देखते हैं। थैंक यू। क्या क्या कुछ कहने को है तेरे पास? नो नो।